उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर ज्यादा पैसा खर्च करने से एजुकेशन मिलती तो जो धनवान लोग हैं वो उसको खरीद लेते और एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रहता। वही लोग एजुकेशन लेते और बाकी के जो निर्धन लोग हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता। आज जो शिक्षा पद्धति अपनाई जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा या जो राजनेता के द्वारा, वो बहुत गलत है। जो बच्चे 8th क्लास तक फेल करने का सिस्टम नहीं है जिन बच्चों का, वो एजुकेशन में डाउन, ये जो शिक्षा पद्धति है वो डाउन होती जा रही है। इससे देश का विकास भी नहीं हो रहा है। तो जो ये जो राजनेता है इनको कुछ एक ऐसी कमेटी संगठित करनी चाहिए जो एजुकेशन का स्तर सुधार सके। जो भी 2008 में गवर्नमेंट ने नियम लागू किया है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए एज ए फिजिकल, तो वो सबसे गंदा सिस्टम कर दिया। ऐसे बच्चों को कोई डर नहीं है, टीचर्स उसको तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं। टीचर्स को एक भय रहता है कि जो बच्चे हैं उनको अगर पनिश करेंगे तो उनके पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इस सिस्टम को बंद करना चाहिए जिससे कि बच्चों में कुछ भय हो तो वो आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है, भय बना पीत नहीं। तो अगर बच्चों में भय नहीं होगा तो वो एजुकेशन नहीं ले सकते, एक समाज का, अच्छे समाज का विकास नहीं हो सकता है। और एक जो गुरु होता है वो सर्वोपरि रहता है, गुरु का रेस्पेक्ट करना सबसे बड़ी चीज है। अनमोल भैया है, वो मैंने नहीं देखी है लेकिन उसको मैं देखूंगा। और मेरा कहना ये है कि सब ही उस फिल्म को देखे और बच्चों को भी दिखाए। देखिए, आज का जो समय है उसमें टीचर्स कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहता, उसको डर रहता है कि कहीं कोई किसी बच्चे को फिजिकली पनिशमेंट या किसी भी प्रकार से उसको अगर पनिशमेंट मिलता तो पेरेंट्स आ जाते हैं, उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता है। तो वो कोई भी टीचर्स स्कूल में ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो किसी इंस्टीट्यूट्स में या बाहर ज्वाइन करना चाहता है। कुछ टाइम, कुछ समय के लिए उन्हें अच्छा पेमेंट मिलता है लेकिन इसमें स्कूल मैनेजर उनको डर रहता है कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो कोई भी स्कूल में आने के लिए नहीं है। जो डमी क्लासेस लगा रहे हैं वो एक तरीके से फर्जी है और वो शिक्षा के जो नियम है उनके भी खिलाफ है। तो जो गवर्नमेंट है उनको इनको जल्दी से जल्दी बंद करना देना चाहिए जिससे कि बच्चों का विकास हो, उनके मस्तिष्क का विकास हो, वो फिजिकली अच्छे रहें, समाज का विकास हो। बच्चों में बैठेंगे तो उनका विकास होगा, समाज में रहेंगे तो उनका विकास होगा। लेकिन आज के पेरेंट्स हैं वो भी और जो जिन्होंने डेमी क्लासेस वगैरह लग रखी है वो भी दोनों शोषण कर रहे हैं, कुछ टीचर्स का, कुछ बच्चों का, और समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जल्दी जल्दी डेमी क्लासेस वगैरह डाउन करें या उनको बंद करें। नेताओं को काम तो आश्वासन देना होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक टीचर्स जो सत्य पे रहता है, बच्चों को सत्य का पाठ पढ़ाता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, वो बच्चों के लिए समर्पित रहता है मरते दम तक। तो जो अनमोल भैया है, जो फिल्म है, वो जैसे ही रिलीज होगी बच्चों को दिखाएंगे और उनको गाइड भी करेंगे कि ये सारा सिस्टम अच्छा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है पारस स्कूल की तरफ से, और कभी भी कोई सी भी हेल्प की जरूरत हो तो हम तैयार हैं।
देखिए जो ये अनमोल भैया फिल्म 31 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, ये मैं और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं देखने जा रहा हूँ। और मेरा सभी से यही अनुरोध है और कि सभी के सभी स्कूल्स के डायरेक्टर प्रिंसिपल्स अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखें, इससे बच्चों को मोटिवेशन वगैरह मिलेगा, अच्छा नॉलेज आएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये फिल्म बच्चों के साथ देखने जाए और सभी बच्चों को दिखाया जाए।